हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਵਾਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਵਾਲੀ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਨਾ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ, ਡਨ। ओके, आंडिया गवांडियां दे करे दरवाजा खड़का के वापस आ जाओ, भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गवांडियां नू उठा दो, जिहड़े सुते पे ने बैल मार के भज जाओ भज जाओ भज जाओ भज जाओ। चलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सो कल आपां सेशन जिहड़ा स्टार्ट करिया सी, ओह करिया सी ज्योग्राफी मास्टर कैडर दा। किहड़ा स्टार्ट करिया सी? ज्योग्राफी मास्टर कैडर दा। ज्योग्राफी मास्टर कैडर दा स्टार्ट करिया सी। तुहानूं मैं दसदा, जिहड़े स्टूडेंट मास्टर कैडर दी प्रैपरेशन तुसीं कर रहे हो, उहनां लई इस वार तीन कंबीनेशन मैं लैके आया। लास्ट आपां की करदे हुंदे आ, हर वार दो कंबीनेशन, मोस्टली कैंडिडेट्स दो कंबीनेशन करदे। इस वार काफ़ी जने मूव कर रहे हैं, किधरों दी किधर जा रहे ने। कहिंदे कई कहिंदे आ हिस्ट्री नहीं, कई कहिंदे कि पोलिटी नहीं, कहिंदे असीं करांगे ज्योग्राफी। सो इस वार अलग अलग तरह के कंबीनेशन तुहाडे कोल ने, जिवें कि हिस्ट्री ज्योग्राफी दा, हिस्ट्री पोलिटी दा, ज्योग्राफी पोलिटी दा, कोई मर्जी कंबीनेशन। या मैं तो ब्रैफरेंस यही कह रहा तुहानू, तुसी तीनों दे तीनों ही अगर तुसी करदे हो प्रैपरेशन पेपर दे टाइम दे, जिहड़े दो वधिया आंदे होए अटैम्प्ट कर देंगे आपां, बल्ले बल्ले करा देंगे। दो मिनट पहला आ गए, हाँ कुलदीप कहने, ठीक है जी। चलो ओके, सो सैशन शुरू करते हाँ। SST मास्टर कैडर का जोड़ा बैच रहेगा अज दे दिन। कल तुम्हें मैं सिर्फ तो सिर्फ सिलेबस डिस्कशन करी सी, तो सिलेबस डिस्कशन का एक छोटा जहा पॉइंट दसिया, दैट वॉज अपने इंडिया की लोकेशन देखी सी आपा, ते नाल आपा इंडिया दे पंजाब दे नाल पंजाब दी लोकेशन, लोंगीट्यूड लैटीट्यूड सब देखा सी। सो अज का सैशन शुरू करते हैं। अज का सैशन जोड़ा रहेगा मास्टर कैडर SST के उपर ज्योग्राफी का रहेगा। ज्योग्राफी का फस्ट डे समझ लो, तुम्हें फस्ट लैक्चर समझ लो, क्योंकि तो आप टॉपिक बाय टॉपिक सीक्वेंस ही करांगे। तो ज्योग्राफी दे विच तुहानू मैं दसदा, ज्योग्राफी की हुंदी है पहला तो यह समझ लेना सारे जने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब की हुंदा सारे जने यह समझ लेना, अज आप करांगे ज्योग्राफी का मतलब की है। उन्दे तो पहला तुसी मैनू यह दसो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी किनू कहा जाता है? ज्योग्राफी का बापू कौन है? ज्योग्राफी का पापा कौन है? ज्योग्राफी के बापू जी पिता श्री कौन है? गुड ईवनिंग जी, गुड ईवनिंग। कौन है ज्योग्राफी दे फादर? जल्दी 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 दसो, जल्दी जल्दी दसो। सो उन्हें मैं बाकियों आंढ़िया गुआढ़ियों बुला ला, शेयर करदा सैशन नू, मैं शेयर किते नहीं अच्छा जी। जल्दी 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 दसो, फादर ऑफ ज्योग्राफी किन्हां नू कहा जाता है? बिल्कुल जी, इरेटोस्थीन्स नू क्या जाता है? किन्हां नू क्या जाता है? इरेटोस्थीन्स नू क्या जाता है? इरेटोस्थीन्स नू, इरेटोस्थीन्स नू। हुण इरेटोस्थीन्स जिहड़े सीगे ओह फादर ऑफ ज्योग्राफी है, दैट मीनस इन्हां ने सारे कॉन्सैप्ट डिवलप किए किए, इन्हां ने दस्या किवें किवें ज्योग्राफी। अच्छा, पहले आप हुण ज्योग्राफी का मीनिंग समझना, एज ए टॉपिक फिर दोबारा ऐप से भी करवाओगे जां नहीं, क्योंकि नोट्स बनाने हैं। मधुबाला यही डैमो है, यही तुहाडा टॉपिक स्टार्ट है। ये ना सोच लो डैमो अलग होएगा, टॉपिक अलग होएगा। कल का सैशन तुहानूं इंट्रोडक्शन दित्ती सी सिलेबस दी, इंडिया बारे दस्या सी। सो ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी किहनूं कहा जाता है? इरेटोस्थीन्स नूं कहा जाता है। तो ज्योग्राफी का मतलब की है? ज्योग्राफी का मीनिंग, हाँ जी मैंने कोई दस दिया, इट इज़ द स्टडी ऑफ वट, किंदी स्टडी नूं आपां कहिंदे आ, किंदी स्टडी नूं बोलदे आ। गुड ईवनिंग जी, गुड ईवनिंग। बिल्कुल जी, इरेटोस्थीन्स। चलो जल्दी जल्दी दसो, किनू बोलिया जाता है? ज्योग्राफी किंदी स्टडी हुंदी है? एक नाम मैं भी तुसी बंदे दा होर सुनिया होए, कहणगे सर असी तां जेम्स रैनल सुनिया है। जेम्स रैनल है तो वैसे अंग्रेज, बट जेम्स रैनल नूं पता की कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। अपनी इंडियन ज्योग्राफी का फादर किनू कहा जाता है? जेम्स रैनल नूं कहा जाता है, जेम्स रैनल नूं। गुड ईवनिंग जी, गुड ईवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड ईवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड ईवनिंग। अर्थ कहिंदे धरती की स्टडी नूं आपां की कहिंदे आ? आपां ज्योग्राफी बोल दिंदे आ। धरती की स्टडी नूं आपां की बोल दिंदे आ? ज्योग्राफी बोल दिंदे आ। हुण धरती की स्टडी की? धरती की स्टडी जिवें मैं कहां ह्यूमन बॉडी है, आपां इहदी स्टडी करनी है। बॉडी के उपर की बनया होया, बॉडी के आस पास की है, दैट इज़ अ बॉडी की स्टडी होएगी। उवें ही अर्थ की स्टडी करनी है तो आपां नूं अर्थ के दो फैक्टर की स्टडी करनी पेगी। स्टडी के दो चीज़ें पढ़निया पैनगियां, एक तो पढ़ना पेगा अर्थ का एनवायरमेंट, की पढ़ना पेगा? अर्थ का एनवायरमेंट, अर्थ के आले दुआले की बनया होया। अर्थ है धरती है, हवा दे विच की है, लाइक तुसी ट्रोपोस्फीयर, स्टेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एग्जोस्फीयर लेयर परतां सुनिया होणगियां। उवें ही तुसी की करनी है? अपनी स्टडी करनी है फिजिकल फीचर्स दी। कादी स्टडी करनी है? फिजिकल फीचर्स।
एक तो हो गया वातावरण, अपनी धरती का वातावरण आप पढ़ा, दूजा अपनी धरती दियाँ भूगोलिक विशेषतावान पढ़ा। भाजी भूगोलिक विशेषतावान की होंगे ने, जिमें तुम काफ़ी जने व्याहे हो गए, काफ़ी जने हले व्याह से कुड़ी मुंडा लभ रहे हो, काफ़ी जने हजे सोच भी नहीं रहे हो, तो सुनया तो जरूर ही होएगा कदे रिश्ता आता हों घर या रिश्ता वेखन जाते हो मुंडे या कुड़ी का, कहते मुंडा मुंडा कहना मुंडा थोड़ा जहा सावला सी, कुड़ी का रंग साफ सी पर नक तिखा सी, कन्न होबो वर्गे सी, ओ की हुंदिया ओ हुंदिया भूगोलिक विशेषतावां अपनी बॉडी दियां, है ना। ओवे अपनी धरती दे उत्ते की है, पहाड़ बने हुए है, पर्वत बने हुए ने, मैदान बने हुए है, नदियां बनिया हुई है, अपना जलवायु किदां दी है ओ सारा हो जांदा अपनी भूगोलिक विशेषतावां, वो की होंगे भूगोलिक विशेषतावान। सो दो तरह की स्टडी करा, एक आप अपने वातावरण की हवा के है, तो एक आप करा फिजिकल फीचरस भूगोलिक विशेषतावान। आ दोनों की स्टडी कर ही आप कहने ज्योग्राफी। सो अर्थ के उपर आ दो चीज़ों की स्टडी करने आप कह देंगे ज्योग्राफी कह देंगे। हम ज्योग्राफी के भापे पता लग गए हो, एक पूरी ज्योग्राफी का भापा कौन है, वह है अपने को इरेटोस्थीनस, तो अपनी इंडिया की ज्योग्राफी का कौन है, जेम्स रैनल है, कौन है, जेम्स रैनल है। हाँ जी पता लग गया सबनों, पता लग गया ना, कोई डाउट हो नाल दी नाल कन्फर्म कर दे रहे ना। अच्छा हुण मेरी गल सुनो, आप ज्योग्राफी के पोर्शन को चार भागों के वंडते हैं। पहली गल तो मेरी गल ये सुन लो, तुहाडे जिहड़े स्पैशल जे मास्टर कैडर वास्ते आ वाला बैच स्टार्ट किया है, मास्टर कैडर के ना जे पेपर के क्वेश्चन आते हैं रट्टे मारन वाले बहुत आते हैं, किन्ने परसेंट आ है किन्ने परसेंट वो है, वो तो है बेसिक बेसिक चीज़ा वो आप भी करनिया ने। तो ज्योग्राफी तुम्हें मैं कॉन्सैप्चुअल कराऊंगा, मैं कहना यह जी ज्योग्राफी तुम कदम देखी नहीं होनी भी आप ज्योग्राफी आह चीज़ा भी होंदिया ने, कहिंदा असीं नहीं सोचदे दूर ही ठीक है मैरिज, दूर ही ठीक है मैरिज तो व्याह तो बचे हुए हैं, कहिंदा असीं व्याह तो बचे हुए हैं। ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफी रैनल हो गया, इरेटोस्थीनस अपनी पूरी ज्योग्राफी का हो गया, तो ज्योग्राफी हुंदी की है एनवायरमेंट के फिजिकल फीचर धरती के पढ़ा तो उन्होंने आप ज्योग्राफी कहोंगे। हुण ज्योग्राफी के ना अलग अलग भाग ने, ज्योग्राफी जो तुम पढ़ना चाहते हो तुहानू की पढ़ना पेगा। अच्छा पहला तो पढ़नी पेगी आपां नूं कोसमोलॉजी, चार भाग पहला तो दसो ज्योग्राफी दो तरह की हुंदी है, एक तो हुंदी है पोलीटिकल ज्योग्राफी, हुंदी है पोलीटिकल ज्योग्राफी, तो दूजी अपने को हुंदी है, दूजी अपने को हुंदी है फिजिकल ज्योग्राफी, कि हुंदी है फिजिकल ज्योग्राफी। हुण आ की हुंदी है सर, आ की बुलावां ने, मैं कहना कल्ले कल्ला बेसिक्स तो पढ़ांगे आप बेसिक्स तो, मैनू पता काफ़ी जने अजे है जिन्होंने ज्योग्राफी की हुई है, तो काफ़ी जने अजे है जिन्होंने बिल्कुल नहीं की हुई, सो मैं दोनों इकट्ठा लैके चलूँगा। सो दो तरह की हुंदी है, एक अपने को ज्योग्राफी हुंदी है अपने पूरे विश्व की पूरे वर्ल्ड की, सो वर्ल्ड का थोड़ा बहुत पोर्शन पेपर के आ जाता है, एक अपने को ज्योग्राफी हुंदी है अपने इंडिया की, किंदी इंडिया की। तो आप पेपर के तीजी होर पढ़नी है, तीजी होर कि पढ़ के जानी है सर, ऐसा की है अपने पेपर मास्क चार्टर के है भी एक होर पढ़नी पेगी, तो आप एक होर पढ़नी पैनी है, वह कि हैगी अपने पंजाब की हैगी अपने पंजाब की। सो आप तीन तरह की ज्योग्राफी पढ़नी पेगी, बिल्कुल स्टडी ऑफ अर्थ पोलीटिकल तो फिजिकल। पूनम कहते एक बार रिपीट कर दो, कि पॉइंट जी पूनम कि पॉइंट रिपीट करना है, दसो दसो कि पॉइंट रिपीट करना है। राम राम जी, राम राम जी, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, जय माता दी, जय बाबे दी, लखवीर कौर जो, जिथों पढ़िया जाता है पढ़ लो, पता नहीं कितों की आ जाए पेपर च। आहो जी नागमणि कह रहे हैं, नागमणि की गल मान लो, नहीं तो नागमणि ने अपना रूप बदल लेना है। चलो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, जो पहला पोलीटिकल फिजिकल से फर्क समझ लो। पोलीटिकल का मतलब की होंगे, तुम छोटे होंगे ना दो मैप भरते, एक मैप भरते खाली मैप हों बेचारा, बाउंड्री बनी होंगी सी, किमें बनी होंगी सी, जिमें अगर मैं इंडिया की एग्जाम्पल लव तो आ उपर इतने बाउंड्री बनी होंगी सी, अज की अगर मैं गल करा कुछ इदा की बाउंड्री तुहाडे कोल देखने को मिलेगी, इतने जम्मू कश्मीर आ जाएगा, आ लद्दाख आ जाएगा, इधर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, इधर पंजाब आ जाएगा, यह बाउंड्री की होंगी है, इनू बोलते हैं पोलीटिकल मैप। एक ऐसी होंगी सी जिथे बने पहाड़ से पहाड़, चक पहाड़ से पहाड़, चक नदियां से नदियां, आ पानी चलिया जिंद उपर सारा समान बनया हुआ, पहाड़ मैदान प्लेट्यू पठार सब कुछ बनया हुआ, उन्होंने बोल देंगे फिजिकल मैप। तो आही है अपने को वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का जो भूगोल है वह विश्व के भूगोल के भी आप दो तरह का भूगोल पढ़ना है, कि पोलीटिकल जो हुंदा राजनीतिक जिहड़ी आपां बाउंडरी पढ़ांगे, जिवें कल तुहानूं मैं दिखाया सी मैप दे उत्ते एशिया एक महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, दक्षणी अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, वो आस पास जिहड़े नाल लग रहे हो गया अपना पोलीटिकल मैप, है ना। फिजिकल की हो गया, फिजिकल आपां देखिया देखना हजे, मतलब जिवें आपां पहाड़ देख ले भी आ माउंटेन ओ चलिया हिमालय ओ चली रावी नदी ब्यास नदी, वो सारियां की हो जाएंगे फिजिकल। सो अपने को पूरे वर्ल्ड लैवल से की आंदा है, इंडिया लैवल की बाउंड्री, तो इंडिया के कि पहाड़ मैदान है, पंजाब की बाउंड्री, तो पंजाब कि पहाड़ मैदान है, तीनों आप पढ़निया ने।
उम्मीद है समझ आई होगी। पहला मैं गल करदा अपने वर्ल्ड लैवल की, वर्ल्ड लैवल की आपां पहला फिजिकल जोग्राफी की गल करांगे। आपां पहला फिजिकल फिजिकल देखते हैं, मैं कला फिजिकल देखता पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि जो वर्ल्ड का देखा इंडिया का कवर हो जाएगा, इंडिया का देखा तो पंजाब का कवर हो जाएगा। सो अपनी वर्ल्ड जोग्राफी के फिजिकल जोग्राफी की गल करता मैं पहला फिजिकल जोग्राफी की। सो फिजिकल जोग्राफी के भी देखा तो अपने को सब तो पहला जो पोर्शन अपने को आता है वह आता अपने कोसमोलॉजी। किहड़ा आता है? कोसमोलॉजी। जदों आप वर्ल्ड की फिजिकल जोग्राफी का कोसमोलॉजी कवर कर देंगे, कोसमोलॉजी की होंगी आप पढ़ा हमने, कोसमोलॉजी अज का आप टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो कोसमोलॉजी ही स्टार्ट करना है। ठीक है, कोसमोलॉजी ही शुरू करना है। आप दस दिना एग्जाम टाइम जाना मनी नागमनी दी। हाँ बिल्कुल, कोसमोलॉजी। दूजी अपने को होंगी है जियोमोरफोलॉजी, जियोमोरफोलॉजी। तीजी अपने को होंगी है क्लाइमेटोलॉजी, लो जी आप है ना कहता लो जी तो दियो जी। लास्ट होंगी है ओशिनोलॉजी। तुहाडे पेपर दे विच इन्ना ज़्यादा डीप दे विच तां तुहानूं मैं दसदा नहीं आना, पर आपां एक बार सारे कॉन्सैप्ट क्लीयर करके चलांगे, क्योंकि जे लास्ट पोलिटी का पेपर औखा आ सकता है तां इस बार जोग्राफी वाला भी औखा आ सकता है। सो जिन्होंने मास्टर ग्रेड का बैच हजे तक नहीं लिया मैं तुहानूं दसदा सवेरे 10 बजे जिहड़ी क्लास स्टार्ट हो चुकी है पोलिटी मास्टर ग्रेड की, यूट्यूब 2 क्लासेस लग गई, लगा के देख लो डिफरेंस पता लग जाएगा भी सर पहला अलग लैवल पढ़ते होंगे सी तां इस बार तुसीं भी लैवल वधाता ते इहदे ते लैवल तो बाहर तां कुछ रह ही नहीं जाना जो अज मैं करवाया है ना। सो कोशनोलॉजी अगे मैं गल करता जे अपने पंजाब या इंडिया की। अच्छा अगर मैं इंडिया की गल करांगा तो इंडिया के माउंटेन आएंगे, और माउंटेन जो आप पढ़ने होंगे ना माउंटेन सिस्टम अपना पढ़ना होएगा उदो आप जियोमोरफोलॉजी पढ़ने होवोंगे। इंडिया के अपने को आएगी मानसून, आएगी अपना क्लाइमेट आएगा। सो मानसून पढ़ने वास्ते आप पूरे वर्ल्ड लैवल का क्लाइमेट पढ़ लेंगे फिर मानसून पढ़ लेंगे। इंडिया के अपने को हिंद महासागर हैगा, सो जो आप हिंद महासागर बारे थोड़ा बहुत पढ़ांगे सो हिंद महासागर के नाल आप ओशनोलॉजी भी पढ़ लेंगे। मतलब कि मैं कहना मतलब यह है आप आ चार पोर्शन कवर करने ने, ते चार चो पहला तो हवा वाला कवर करना है, ये अपने इंडिया नाल लिंक रहेंगे। ते जो दो अपना कोसमोलॉजी खत्म हो जाएगा पहला आप कोसमोलॉजी करांगे, फिर आप आ वाली पोलीटिकल ते इंडिया की पोलीटिकल खत्म कर देंगे, ते पंजाब की पोलीटिकल खत्म कर देंगे। पोलीटिकल पोलीटिकल आप इकट्ठी खत्म करांगे सारी। ठीक है, पहला कोसमोलॉजी करांगे, फिर आप आवेंगे फिजिकल दे, फिर आवेंगे मिट्टियां मिनरल जे वो लल्ला कखा जिहड़ा रह जांदा है उहदे तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर दे विच, वो आप ऐड दे करांगे। ठीक है, अच्छा पोलीटिकल हिस्टरी वाले मांडा जी कोई गल नहीं, पोलीटिकल हिस्टरी वाले हो तो सुबह 10 बजे क्लास लगाओ, 10 बजे अपनी पोलिटी स्टार्ट हुई है सो तुसी क्लास लगा लो। ठीक है, हुण सुनो आप पहला कोसमोलॉजी की गल करते हैं। कोसमोलॉजी स्टार्ट करन तो पहला, अच्छा स्टार्ट करन तो पहला भी क्यों, सो कोसमोलॉजी बारे सुनना सारे जने, हजे तक किसी ने कुछ लिखना नहीं है, जे लिखना ही है तो बस आ लिखोगे होर कुछ नहीं। कोसमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वट, एक किंदी स्टडी नू कोसमोलॉजी कहा जाता है, मैं दस जल्दी जल्दी कमेंट करो किंदी स्टडी नू कोसमोलॉजी कहने आ, कोसमोलॉजी कहते सर ये तो इदा लगता जिम्मे मूँह तलाने वाली क्रीम हो कोसमोलॉजी है ना, डरमेटोलॉजिस्ट होंगे ना उवें कोसमोलॉजी है। जल्दी दसो अपने कोसमोलॉजी किंदी स्टडी नू कहा जाता है, जिमें ज्योग्राफी अपनी अर्थ की स्टडी नू कहा जाता है, कोसमोलॉजी किनू कहा जाता है, कोसमोलॉजी कहता लगाई थी सर बेस्ट टीचिंग पर बैच नैक्सट मंथ लेना है, ओके मैं परमलीला जी यूनीवर्स वेरी गुड। सो यूनीवर्स की स्टडी नू आपा की कहने हैं, यूनीवर्स की स्टडी नू आपा कहने हैं कोसमोलॉजी। वट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनीवर्स कहते ब्रह्मांड, सर कितने तक फैलया ब्रह्मांड, कोई लिमिट नहीं है ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड की कोई लिमिट नहीं है। एवें किवें सर, जिमें हुण तुसीं एट प्रेजेंट आपके घर बैठे होवोगे या किसी के घर के बैठे होवोगे, दुकान पर बैठे होवोगे, वो घर या दुकान जो भी जगह हैगी है वो किसी ना किसी पिंड या शहर के आ रही होगी, आ रही है कि नहीं आ रही, बाहर निकल के देखो तुहानूं पिंड या शहर दिखेगा, वो पिंड शहर किसी ना किसी जिले के भी आ रहा होगा, तहसील के अंडर आ रहा होगा, वो जिला किसी ना किसी राज्य के आ रहा होगा। चलो सुख नाल आपां सारे पंजाब तो ही होवांगे उम्मीद है, या हद राजस्थान वाले बंदे नाल जुड़े होणगे। सो पंजाब तो पंजाब किंदे विच हैगा, इंडिया दे विच हैगा, बिल्कुल इंडिया विच हैगा, मोस्टली सारे की सारे हो तां तुसीं इंडिया तो ही। अपना इंडिया कित्थे आंदा, एशिया महाद्वीप दे विच आंदा, एशिया महाद्वीप कित्थे आंदा अपना
ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਰੁਕ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਸਰ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸੈਰ। ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਗਲੈਕਸੀ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਗਲੈਕਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਿਆ ਸਰ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸਮੋਲੋਜੀ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕੋਸਮੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਕੋਸਮੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗਲੈਕਸੀਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਗਲੈਕਸੀਸ। ਸੋ ਬਿਲੀਅਨਸ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗਲੈਕਸੀਸ ਨੇ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਗਲੈਕਸੀਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਗਲੈਕਸੀਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗਲੈਕਸੀਸ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗਲੈਕਸੀਸ ਨੇ। ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਜੋਰਜ ਦੇ ਮਿੱਤਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਮੇਰੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੋਲੀਟੀ, ਇਕੋਨਮੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਕਦੇ? ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੇਰੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਕਦੇ? ਚਲੋ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਗਲੈਕਸੀਸ, ਯੂਨੀਵਰਸ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ? ਗਲੈਕਸੀਸ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗਲੈਕਸੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1921 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, 21-22 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਸੋਰੀ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਸੋ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ? ਬਿਗ ਬੈਂਗ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਸੋ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਅੱਛਾ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਯੂਨੀਵਰਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਾ ਹੱਥ ਉਤਰਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਹਣੀ ਜੀ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗੈਸਿਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ। ਬੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਧਮਾਕਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁਲ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਸੂਰਜ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਵਧੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਆਪਣੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ 1931 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਓਰਜ ਲੈਮਿੱਤਰੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਓਰਜ ਲੈਮਿੱਤਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਹਬਲ ਦੁਆਰਾ। ਹਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਬਲ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਰ, SST ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੈਮੋ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਾਲ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕੋਈ 30-40-50 ਸਾਲ, 60 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹਬਲ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਗਲੈਕਸੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲੀਅਨਸ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗਲੈਕਸੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਥ ਹੀ ਆਉਣ। ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੇਰਾ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਫੋਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗਲੈਕਸੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤਾਰਾ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ
अपने ब्रह्मांड की दूर छोड़ो, तुम यूनीवर्स की छोड़ो, तुम अपने नाल गवांडी कौन है? अर्थ का गवांडी है ना, मंगल ग्रह है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, वो जे अपने गवांडी है ना, दो घर छड़ के बैठे बैठे अपने को बृहस्पति से अपना शनि, एक घर छड़ के बृहस्पति बैठे नाल शनि बैठे, वो जे शनि बैठे है वह शनि के उत्ते भी होने होने इन्ने सारे वाधू सारे कोई 50-60 लब्बे से इन्होंने उपग्रह। सो हुण पहला जुपिटर दे सब तो ज़्यादा होंदे सी, फिर शनि दे हो गए, फिर जुपिटर दे हो गए, फिर शनि दे सब तो ज़्यादा हो गए, हुण 100 तो उत्ते टप गए। हाँ कहते असं रिटायर हो जावे बस उदो पढ़ा देंगे जी परमिला। हुण वो की है इहदा मतलब अज भी यूनीवर्स वध रहे आपां पता ही नहीं लग रहा किसे कहे, तो ही मैं इतने बिलियनस ऑफ गलैक्सीज लिखिया, जे पता हुंदा किन्नी कु लिमिट है तो मैं इतने लिखता ही ना, मैं कह देना सी 777 करोड़ अपने को 772 करोड़ तो 50,532 जिहड़ियां हैगियां ने अपने को गलैक्सीज ने। सो जिहड़ी ये थ्यूरी है, ये थ्यूरी जॉर्ज लेमैत्रे ने दित्ती सी, मतलब ये कह रहा सी इन्ना ज़्यादा यूनीवर्स फैलिया होया कोई उहदी लिमिट नहीं हैगी, कोई उहदा विस्तार अज भी हो रहा है। सो ये यूनीवर्स बारे थोड़ा जा। अच्छा यूनीवर्स दे विच गलैक्सीज ने, काफ़ी सारी गलैक्सीज ने, उन्होंने गलैक्सियों के आप कितने रहने, अपनी गलैक्सी का नाम दसेगा कोई बंदा? हाँ जी कोई बंदा जब बुढ़ी थोड़े चो यूनीवर्स बारे तो पढ़ लिया, हूँ आप गल करते हैं गलैक्सी की, हौली हौली पता कितने आवेंगे आप, पिंड शहर वड़ जाना आप, हौली हौली पिंड शहर वड़ जाना हौली हौली, जल्दी दसो। हाँ जी गलैक्सी, अपनी गलैक्सी का नाम की है जिते आप रहने, यूनीवर्स काफ़ी सारी गलैक्सीज मिला के बनया होया ना। कुलदीप कौर ने वैसे दसता जल्दी 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 ओके मनदीप कौर कहते ओल्ड स्टूडेंट मिलकी वे वेरी गुड। कोई काफ़ी सारी गलैक्सीज के जी अपनी गलैक्सी है ओन गलैक्सी का मतलब हो गया अपनी खुद की गलैक्सी। सो अपनी गलैक्सी कि जे आप रहने अपनी गलैक्सी, गलैक्सी पंजाबी गलैक्सी ही बोलेंगे। सो अपनी गलैक्सी कि हैगी है, अपनी गलैक्सी हैगी है मिलकी वे, कि हैगी है मिलकी वे, इनू की बोलिया जाता आकाश गंगा, आकाश गंगा। सो मिलकी वे जी अपनी गलैक्सी हैगी है, आकाश गंगा जी अपनी गलैक्सी हैगी है। हाँ बुढ़िया नूं पता होना है, बंदियां नूं नहीं पता होना। सो अपने कोल मिलकी वे जी अपनी गलैक्सी हैगी है, आकाश गंगा जी गलैक्सी हैगी है, इहदी शेप किदां दी हैगी है, इहदी शेप इहदा आकार किदां दा हैगा है। तुसीं ना नाटक नूटक देखते हो तो श्री कृष्णा वाला नाटक तो सारी कुड़ियों ने देखा होना, वैसे भी कोविड दौरान सारे तुसीं रामायण महाभारत जी कदे नहीं देखी तो कदे सोची नहीं होनी, वो सारियां तुसीं दो दो बार देख दित्तियां होनियां ने। सो जदों कान्हा जी वाला नाटक आंदा सी, कृष्ण जी छोटे होंदे सी तो मक्खन खा रहे होंदे सी, मक्खन खाते खाते उनकी मम्मा जी जी उनकी माता है, वो माता कहती मुँह खोल के दिखा, जो कृष्ण जी मुँह खोलते हैं उन्होंने सारी सृष्टि दिखती है, वो पता की है ऐदा ऐदा गोले बने होंगे, ऐदा ऐदा घूम जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं देख के। सो आही शेप नूं की बोलते हैं, स्पायरल शेप बोलते हैं, कहड़ी शेप बोलते हैं, स्पायरल शेप बोलते हैं। अज 10 बजे क्लास लगी सी हरिंदर जी, बिल्कुल लगी सी, उन्होंने की बोलते हैं स्पायरल शेप बोलते हैं। उनका लिंक ना तुम्हें मैं दोबारा दे दूंगा, उनका लिंक एक्सपायर हो गया सी, एक मैं दोबारा दे दूंगा, टेंशन लो। स्पायरल शेप कि स्पायरल शेप अपनी कि अपनी गलैक्सी की, हूँ अपनी गलैक्सी जी स्पायरल शेप हैगी आ वाली शेप, इनके विचकार जो है मोस्टली मास है, विचकार जो है सूरज है। हूँ अगर आप गल करते हैं गलैक्सी की, मान लो अपना आ यूनीवर्स है, वैसे तो लिमिट है नहीं, मैं लिमिट बनाता पाया, इन्हें अड्ड अड्ड गलैक्सियां ने है ना, अपनी अड्ड अड्ड गलैक्सियां बनिया हुई ने, इन एक गलैक्सी अपनी है कि मान लें आ वाली गलैक्सी अपनी है, अपनी गलैक्सी के आर बार अते बार कोई ना कोई गलैक्सी तो होएगी, तो ऐसी भी गलैक्सी होएगी जी अपनी गलैक्सी के बिल्कुल नेड़े होएगी, होएगी ना। सो अपनी गलैक्सी दे इत मैं लिख देना, अपनी गलैक्सी दे सब तो नेड़े गलैक्सी कि है, सब तो नेड़े गलैक्सी कि है, उनका नाम अपने को है एंड्रोमीडा, कि हैगी है एंड्रोमीडा गलैक्सी, कि है एंड्रोमीडा गलैक्सी। हुण अपनी गलैक्सी तो हुई, अपनी गलैक्सी सब तो नेड़े वाली गलैक्सी कि होगी एंड्रोमीडा, तुम कहोगे याद करना से अपनी गवांडी जी है वो कि है एंड्रोमीडा, आंटी अपने नाल रहिंदी है, आंटी बोले तो आंडा है ना, वो अपने को गया एंटी तो आप याद रहा एंडी एंड्रोमीडा। सो तुहाडी जिहड़ी गवांडन उहदा नाम तो अज तो बाद रख दो एंड्रोमीडा, एंड्रो रख दो एंड्रो एंड्रोमीडा। हुण आप गलैक्सी ते आवांगे, गलैक्सी तो बाद आप आने सौरमंडल ते, कितने आने सौरमंडल ते, हुण सौरमंडल की गल करते हैं। हुण अपनी गलैक्सी दे विच आ गए, अपनी गलैक्सी दे विचकार विचकार की बनया होया सौरमंडल। सो आप गल करते हैं हुण सौरमंडल की, सॉरी आप गल कर रहे हैं सौरमंडल की, सौरमंडल किसकी गल करांगे, सौरमंडल जिन्हों कहा जाता है सोलर सिस्टम, पूरी अर्थ घूम रही थी कृष्णा जी का मूत में, हाँ बिल्कुल जी। सो सौरमंडल सोलर सिस्टम,
अच्छा इहदा नाम सौर मंडल क्यों रखा गया, सौर जिहड़ा हैगा उह सूरज तों निकल के आया, तां ऐसे करके आपां कहांगे हैड ऑफ द फैमिली, हैड ऑफ द फैमिली अपने कोल कौन होएगा, सोलर सिस्टम होएगा, सन होएगा, कौन होएगा, सन होएगा, पूरे सौर मंडल का जिहड़ा बापू होएगा, मतलब हैड होएगा, मुखिया होएगा, वह कौन होएगा, सूरज होएगा। यह सूरज कौन है, ये चाचियां की फैमिली है, तुहाडी फैमिली नहीं हैगी, याद रखिया जी, ये चाचे की फैमिली है। हुण तुसीं जॉइंट फैमिली दे विच रहिंदे हो, तुहाडे चाचे की फैमिली है, चाचे की फैमिली दे विच तुहाडी मम्मी भी आऊगी, हुण तुहाडी मम्मी दे नाल नाल अपनी कोल मासी भी आएगी, सारे इत्थे आणगे, चाचे मामे ताए सारे आपां पढ़ांगे। 10 बजे क्लास का लिंक नहीं ओपन हो रहा, हरिंदर कौर तुहानूं दुबारा लिंक मिल जाएगा, वो मैं पा दूंगा लिंक अपने टैलीग्राम के, तो टैलीग्राम के चैनल से जुड़न वास्ते तुसीं टैलीग्राम से सर्च करोगे GS विद अंकुश सर, ठीक है। तो जिन्हां नूं लगदा है जी सर बैच बारे सानूं माड़ा जिहा दस दिया करो, विच्चे असीं बोंदले रहिंदे आ, बैच बारे दसदे रहिया करो, सानूं समझ नहीं आती किहड़ा बैच किवें चल रहा, तुसीं सारियां दिन दस क्लासां लांदे रहिंदे हो, तां तुहानूं मैं दसदा SST मास्टरगेट दा हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री पोलिटी, ज्योग्राफी पोलिटी, या तिन्नां दा कंबीनेशन तुहानूं मिल जाएगा, कल्ला कल्ला लैणा तां कल्ला कल्ला कंबीनेशन, कल्ली पोलिटी कल्ली ज्योग्राफी भी मिल जाएगी। सो तुहानूं करना पेगा, करना की पेगा, करना यह पेगा अपने कोल अरोड़ा क्लासिस की एप्लीकेशन तुहानूं इंस्टॉल करनी पेगी, उहदे ते कोर्सिस दे विच जाना पेगा, कोर्सिस दे विच जांदे ही तुहाडे कोल सारे कोर्सिस शो हो जाएंगे। तुसीं पंजाब स्टेट का बैच लैना चाहते हो, पंजाब स्टेट का बैच ले लो, जे तुसीं पंजाब स्टेट का बैच जिहड़ा 5 जून तो शुरू होया, कदों शुरू होया, 5 जून नूं बैच स्टार्ट होया, जे तुसीं 5 जून वाला बैच पंजाब स्टेट का लगाना है, जे नहीं तां तुसीं जिहड़ा अपने कोल लगा सकते हो किहड़ा बैच, अपना दूजा SST मास्टरगेट। अच्छा कूपन कोड भी जिहड़ा हैगा 5 जून नूं बैच स्टार्ट होया सी, कूपन कोड जिहड़ा हैगा उह किवें अपलाई करना है, अरोड़ा क्लासिस दी एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, जिवें कोर्सिस ते क्लिक करोगे उत्ते सर्च दी ऑप्शन आएगी, इत्थे कोर्स सर्च कर लेना, कोर्स शो होएगा, क्लिक करना, लास्ट ते स्क्रोल करना, नीचे लिखा है हैव ए कूपन कोड, कूपन कोड लाना किहड़ा है, कूपन कोड इक्को इक लगेगा, बाकी पता नहीं लगनगे कि लगनगे, अरोड़ा 1 2 3 है ना, इको एक कूपन कोड लगेगा, अरोड़ा 1 2 3 1 2 3 लाते रहो, डिस्काउंट मिलेगा 500 रुपये कट्ठा ही। सो जे अमीर लोग ने आईफोन यूजर्स, तो आईफोन यूजर माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, बाकी सारा प्रोसैस सेम है, बाकी आप गल्ला करांगे बाद विच, तां आपां पहला गल कर रहे सी अपने टॉपिक की, उत्थे वापस आ जाने, बैच तुहानूं मैं दस्सदे आ जिहड़ा मर्जी तुसीं परचेज कर सकते हो। हैड ऑफ द फैमिली कौन हैगा, सोलर सिस्टम का सूरज चाचा, कौन है, अज्ज तों बाद इहनूं सूरज चाचा कहांगे, की कहांगे, सूरज चाचा। पूनम हुण तां डेली गुस्सा हो जांदे चाचू अपने नाल, अच्छा कहिंदे बाय कर लिया, ओके 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 जी, समाल सोलर सिस्टम बोली सेलेस्टियल बॉडीज दसूंगा जी, दसूंगा अज कल, चाचा काफ़ी गुस्से च है, गर्मी कर रखी है बहुत, ओके पूनम। सो अपना हैड ऑफ द सोलर सिस्टम कौन है, अपना को सूरज चाचा है। हुण सूरज चाचा ध्यान देखना, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मैं लगता क्वेश्चन भी आया हुआ तुहानू, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इहदा मतलब की होया सर, इहदा मतलब की होया, ए सूरज ऊर्जा दा सोमा है सर, एनी पंजाबी करवाओगे, हाँ काफ़ी जने करन दे इच्छुक ने, सो सूरज ऊर्जा दा सोमा है, ऊर्जा दा सोमा मतलब सारी एनर्जी सूरज दे विचों तां निकल रही है, तुहानू जिहड़ी गर्मी मिल रही है। सर पेमेंट किसी होर नंबर ते कर सकते हैं क्या, बिल्कुल परमिला तुसी फोन करके, देखो पता की हुंदा, जे तुसी कूपन कोड लगाना चाहते हो तो तुहानू उत्थों ही पेमेंट करनी पेगी, जे नहीं लगाना चाहते सर तुसी सीधा पेमेंट कर लो, बाकी तुसी फोन कर लो यार, फोन करके पता कर लो सारा कुछ, होर सब कुछ पॉसिबल है। सो ऊर्जा दा सोमा की हुंदा, मेन एनर्जी निकलती है सूरज तो, इन्नी गर्मी क्यों है, सूरज चाचा गर्मी क्यों खाई देता, कहिंदे बाहर जाने इन्नी गर्मी लगती है, सूरज इन्नी ज़्यादा गर्मी दे रहे ना, हद तो ज़्यादा गर्मी दे रहा है, हद तो ज़्यादा गर्मी का मतलब की है, हद तो ज़्यादा गर्मी का मतलब की है, कहिंदे 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 सूरज दे विच्चों निकलती है अग, अग क्यों निकलती है सूरज चों, ए जा की करता सूरज, सूरज खांदा की है। सो ए सूरज जिहड़ा हैगा इहदे विच एक रिएक्शन हुंदी है, एक इहदे विच रिएक्शन हुंदी है, वो रिएक्शन का नाम की हैगा, वो रिएक्शन का नाम अपने कोल हैगा न्यूक्लीयर फ्यूजन, किहड़ा हैगा न्यूक्लीयर फ्यूजन। सो न्यूक्लीयर फ्यूजन अपने कोल एक रिएक्शन हैगी है, ये न्यूक्लीयर फ्यूजन अपनी एक जिहड़ी रिएक्शन है, इहनू की बोलिया जांदा नाभ की संलयन, की बोलदे आ, नाभ की संलयन बोलदे आ, नाभ की संलयन। सो नाभ की संलयन जिहड़ा अपने कोल एक रिएक्शन हुंदी है, इहदे विच नाभ की संलयन दे विच की हुंदा है, नहीं प्रशांत ऐसी गल्लां ते मेरी स्पर्श नहीं लगती होंगी ठीक है। सो नाभ की संलयन की हुंदा है, नाभ मेरी याद ही नहीं सुनते तो की सुनन मेरे गल मेरे नाम से। सो नाभ की संलयन की हुंदा, नाभ की संलयन आप दसदा है जिते दो गैसिस, देखो सूरज दे विच दो गैसिस ने, दो गैसिस केड़ियां ने, पहली अपने कोल हैगी हाइड्रोजन, दूजी दूसरी अपने कोल हैगी हीलियम, हाइड्रोजन नूं एच नाल लिखते हैं, हीलियम नूं एच ई नाल लिखते हैं, बस मैंने इन्नी कु साइंस आती है, होर नहीं पता, CO2 पता है, O2 पता है। सो हाइड्रोजन हौली हौली बदल रही है, हाइड्रोजन की हौली हौली
कन्वर्जन हो रही है किंदे विच कन्वर्जन हो रही है हीलियम दे विच ते हाइड्रोजन दा हीलियम दे विच बदलना ही उन्हों ही आपां की कहने आ नाभिकी संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन ते उंदे करके ही सूरज दे विचों इन्नी ज़्यादा गर्मी निकल रही है। सर एवें किवें सर सर पागल ना बनाओ की ऐसा हुंदा है भी एक गैस दूजे गैस से बदले उंदे विचों अपने कोल ऊर्जा निकलूगी। देखो साइंस तां मैनूं नहीं पता इहदे पिछे तुहानूं मैं गल इहदा रीजन तुहानूं मैं दस दिंदा की हुंदा है। मान लो तुसीं एक गिलास पानी लिया सर तुसीं तां बाल्टी बनाती चलो आपां गल गिलास बनाने छोटा जिहा एक गिलास पानी लिया फिर तुसी दूसरा गिलास पानी लिया आपां ना कॉपी पेस्ट मार दिया सोहने सोहने गिलास चलो एक दो तीन चार पूरे हो गए। सो तुसी चार गिलास पानी लिया चार गिलास पानी लैके तुसी चले गए किचन दे विच किचन विच जाके तुसी इहनूं बोइल करन लग गए एक बाल्टी बनाती वड्डा गिलास बन जूगा ना एडा वड्डा गिलास। सो जदों तुसी चार गिलास पानी बनाया सी एक गिलास हुंदा कोई अप्रोक्सीमेट 250 ml दा कदा हुंदा 250 ml दा हुंदा ये भी 250 ml का होंगे। सो 250 ml के गिलास ले जो 250 ml गिलास ले बोइल किया एनुसी उबालिया तो जो बोइल किया एने पानी जोड़ा होया वो सारा पानी तुम एक व्डे से मागे बनता यह एक लीटर का लेकिन जो तुम ए पाया ना तो वह इन्ना कोई भर पाया यार वो पूरा नहीं भर पाया तुम बोंदल गए तो पै गए छित्र तीन जोड़ा बाकी से बाकी किधर गया यह कि भरिजा यह भरिजा 700 ml कि भरिजा 700 ml भरिजा मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा 300 ml किधर गया 300 ml तुम पी गए तुम्हें प्यास लगी तुम पी के कहते सर असी नहीं पीता वह वाष्पीत हो गया और वाष्पीकरण करके इवेपोरेशन करके उड़ गया भाप बन के उड़ गया बस आही गल हो रही है। अच्छा जिहड़ा वह भाप बन के उड़िया जो तुम कई बार होंगे ना भी हाँ यार कहें कहें अच्छा थोड़ा जहा मूँह आपका सुधार लीए सोहना कर लीए तुम राति भाप ले लेंगे हो स्टीम ले लेंगे हो भाप दैट मीनस वो की है उन्हें एनर्जी निकलती है गर्मी निकलती है और मूँह से लगती जी गर्मी होंगी है ना वो एनर्जी है वह सूरज के एवं ही एनर्जी निकल रही है। सो जो इनू तुम उबालिया बाकी जोड़ा पानी जोड़ा उड़ गया वह भाप बन के उड़ गया वह की हो गया वह भाप बन के उड़ गया आप एग्जाम्पल लै रहे भाप बन के उड़ गया। हूँ आप सूरज की गल सुनते हैं सूरज चाचा सामने आ सूरज चाचा प्रगट हो सूरज चाचा प्रगट होए लो जी सूरज चाचा आ गया आ गया आ गया सूरज चमक रहा थोड़े सामने। हुण सूरज चाचा की करता है सूरज चाचे दो गैसेज ने एक अपने कोल हैगी हाइड्रोजन केड़ी हैगी है हाइड्रोजन ते दूसरी अपने कोल हैगी हीलियम केड़ी हैगी हीलियम जिवें ही हाइड्रोजन हीलियम दे विच कन्वर्ट हुंदी है उवें उतों ही अपने कोल ऊर्जा निकलती है उदों ही अपने कोल गर्मी निकलती है उदों ही अपने कोल गर्मी निकलती है ऊर्जा निकलती है किवें सर सर थोड़ा जिहा दसो माड़ा जिहा हुण देखना हाइड्रोजन दे चार एटम देखो आपां साइंस वाले कैंडीडेट है नहीं बस आपां नूं इन्ना पता होना चाहिए हाइड्रोजन दे चार एटम हुण तुसीं कहोगे सर एटम की हुंदा है एटम बंब वाला नहीं मैनूं नहीं पता एटम की हुंदा है ना सन तों ही प्लैनेट एनर्जी लैंदे हैं बिल्कुल जी। सो एटम चार एटम मिलते ने चार एटम्स चार ऐसा समझ लो चार हाइड्रोजन मिलदियां ने चार हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनांदियां ने। मैं तुहानूं बड़ी ही देसी भाषा दे विच समझाऊंगा तुसीं इह ना कहना सर साइंस की भाषा तुसीं गलत बोल रहे हो। सो चार हाइड्रोजन दे एटम मिलके हीलियम दा एक एटम बनता है तो इहदा मतलब आ चारा दा भार इहदे बराबर होना चाहिए इत्थे भी एवें सी आ चारा दा भार इहदे बराबर होना चाहिए सी लेकिन होया नहीं सी 300 ml उड गया तो इत्थे भी एवें होया। जे भार की गल करा तो मैं इत्थे मास की गल करांगा की गल करांगा मास मैं भार नूं मास कह तां नहीं सकदा साइंस दे प्रोपर भाषा दे विच भार अलग हुंदा वेट हुंदा मास अलग हुंदा मैं फिर भी तुहानूं मैं सिंपल भाषा दे समझा रहा भी अपना जिहड़ा मास है वह मास इहदे बराबर होना चाहिए अगर ये एक मास बनिया सी आचारा नूं मिला के एक सी तो इत्थे एक होना चाहिए बट एक नहीं हुंदा वो एक नहीं हुंदा वो किन्ना हुंदा 0.7 मतलब 0.3 उड़ जांदा जिवें 1000 दे विचों 300 ml उड़ गया सी उवें एक दे विचों 0.3 उड़ गया तो इहदा मास किन्ना बन गया 0.7 तो 0.3 मास की हो गया वह मास हो गया लोस्ट वह गुम गया तो यही तुहानूं ऊर्जा देगा जदों आपां भाप बनाई सी भाप बन के उड़िया भाप ऊर्जा सी एवें ही 0.3 ऊर्जा देगा। बिल्कुल जी कहिंदा किसे गैस ऑन करके भुल गए तो पानी बचे ही ना फिर वो तुहाडी इच्छा है ठीक है। सो हुण लोस्ट मास अपने कोल किन्ना हैगा लोस्ट मास अपने कोल हैगा 3। अच्छा आइंस्टीन बाबा बारे तुसीं सुनिया होगा एक बाबा जी हैगे सी अपने कोल बड़े अच्छे आइंस्टीन बाबा देखो मैनूं सारे बाबे जानते ने अजकल अपने कोल जिहड़े हैगे ने ओह किहड़े बाबा जी चलते आ बाबा खान बंगाली सो आइंस्टीन बाबा जानते सी आपां नूं आइंस्टीन बाबा जी की कहिंदे सी कहिंदे E=mc² जिहड़े साइंस वाले कैंडीडेट उन्हां ने आ वाली पढ़ पढ़ कमली करती होनी है स्टेटमेंट E=mc² इहदा मतलब की हुंदा कहिंदे सर ई द एनर्जी अच्छा किन्नी कु एनर्जी निकलती है किन्नी कु ऊर्जा निकलती है दसो जी किन्नी कु ऊर्जा निकलती है कहिंदे एम एम की हुंदा मास कहिंदे केड़ा मास सर टोटल नहीं जिहड़ा गुम गया
लोस्ट मार्क्स किन्ना गुमया सी 0.3 गुमया सी, किन्ना गुमया सी 0.3 गुमया सी।